इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज वो बहुत ही खास है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। जैसे ये रहा, एड ओनली पीपल यू नो, प्लीज सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट ओनली टू पीपल यू नो पर्सनली। ठीक है, ये बोल रहा है कृपया उसी को रिक्वेस्ट भेजिए जिसे आप केवल जानते हो पर्सनली से। ठीक है, आप जब भी किसी को रिक्वेस्ट भेजते हो, जैसे कोई लड़की ज़्यादा जाता है तो लड़के होते हैं लड़कियों को, लड़कियाँ होती हैं वो लड़कों को रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बार ये आपके सामने नाम आता है, एड ओनली पीपल यू नो। तो इसका सोल्यूशन मैं आज लेकर आया हूँ और वो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें दो टिप बताऊंगा, उसके जरिए आप इसके बाद आप सभी को रिक्वेस्ट भेज पाओगे। ठीक है, ज़्यादा चांसेस होंगे आप भेज पाओगे। तो क्या करना होगा, जैसे आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, और ये नाम हमारा एड ओनली पीपल यू नो, तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ टिप। तो टिप नंबर फर्स्ट ये है, सबसे पहले आप जाओ फेसबुक के अंदर। ठीक है, फेसबुक में जाने के बाद अब आपको जाना है यहाँ पर, एक मिनट फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है अंदर। अंदर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको जाना है अकाउंट सेटिंग में। ठीक है, अब अकाउंट सेटिंग में आपको जाने के बाद क्या करना है, जाइए प्राइवेसी, तीन नंबर देख सकते हैं आप प्राइवेसी, प्राइवेसी में आपको जाना है। ठीक है, तो प्राइवेसी में जाने के बाद दो नंबर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैनेज योर प्रोफाइल। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे नीचे जाना है। नीचे नीचे जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आ रहे रिस्पॉन्ड टू, ठीक है, 201 फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये मेरी है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो अपन को सबसे पहले आना है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप ऊपर देख रहे हो रिस्पॉन्ड टू, ये जो भी है 201 फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ देख रहे हो फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने पर ये आएगा व्यू सेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब देखिए मैं एग्जांपल के तौर पर सभी को रिक्वेस्ट भेजता हूँ आपको बताने के लिए। अब जैसे आपने काफ़ी जनों को रिक्वेस्ट भेजी है और वो अभी तक कंफर्म नहीं किए, तो आप यहाँ जाकर इनको सबको जो दे रही है अंडो वाला निशान, इसको कर दीजिए। ठीक है, सबको हटा दीजिए वापस से, कोई फ़ायदा तो नहीं, कन्फर्म तो क्या नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं, सबको हटा दीजिए। आप इसे आराम से हटा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी जगह देख ले बैठने के लिए और बैठ जाइए और हटाना शुरू कर दीजिए जैसे मैं हटा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था सभी को मैंने अंडो कर दिया। ठीक है, यानी अब देखिए ऐड फ्रेंड का आ रहा है मार्क। ठीक है, मैंने सभी को हटा दिए। तो इसी प्रकार से आप भी यहाँ जाकर फिर इस पर क्लिक करना, फिर जैसे मैंने किया था फिर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप एक बार ये सब करने के बाद एक बार चेक कर लेना, ये कॉन्टैक्ट वाला देख रहे हो आप साइन, ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको वापस बैक लेना है यहाँ से। ठीक है, बैक लेने के बाद फ्रेंड्स अब जो रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन देख रहे हो आप, रिक्वेस्ट है, ठीक है, यानी जो रिक्वेस्ट आपके पास आई हुई है पहले से उनको डिलीट कर दीजिए आप, जो फेक रिक्वेस्ट है उनको डिलीट कर दीजिए। मान लो को फेक वगैरह बढ़ाए दोस्त, ठीक है, उस प्रकार से उनको डिलीट कर देना। जैसे मैं किसी को भी कन्फर्म नहीं करूँगा, ठीक है, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ इन सबको, तो 197 हुए। ठीक है, डिलीट कर दीजिए आप सबको, आप भी कर देना। अगर आपको मान लो किसी को भेज रहे हो रिक्वेस्ट, वो वाला ऑप्शन आ रहा है एड ओनली रिक्वेस्ट हुई यू नाउ, ठीक है, पर्सनली वगैरह, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं अगर वीडियो फ्रेंड्स पॉज कर लेता हूँ, नहीं काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, मैंने जो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आई हुई है उनको डिलीट कर दी, जो मैंने सेंड की थी वो भी सारी डिलीट कर दी। ठीक है फ्रेंड, अब सब कुछ साफ़ हो चुका है, कचरा वैसे साफ़ नहीं हुआ है फ्रेंड्स, वैसे मान लो काफ़ी हद तक साफ़ होता है। व्यू सेंड रिक्वेस्ट पर वापस चलते हैं अपन, देखिए कुछ भी नहीं है, सबको कर दिया अपन ने क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स देखिए, आप देख सकते हैं सेंट रिक्वेस्ट जो है आपका नाम, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आएगा व्यू रिसीव्ड रिक्वेस्ट है, ठीक है, यानी जो आपके पास रिक्वेस्ट आई है तो क्लिक कीजिए। देखिए नो रिक्वेस्ट है, कोई नहीं आई हुई, अपने सबको डिलीट कर दी। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट है, वापस क्लिक कीजिए, व्यू सेंट रिक्वेस्ट है जो अपने भेजिए उस पर, तो क्लिक कीजिए, देखिए कोई नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा कचरा वो साफ होते हुए अपन बैग चलते हैं वापिस। एक बार रिफ्रेश कर लेना, ठीक है, और एक बार इसको लॉग आउट कर सकते हो, यहाँ से लॉग आउट आपको कर लेना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लॉग आउट कर लिया, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद क्या करना है आपको, बैग जाना है और फिर जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जो ऐप है वो ढूंढना है आपको, यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप्स, फेसबुक में जाए, ठीक है। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जैसे क्लियर डाटा वाला ऑप्शन देख रहे हो, क्लियर डाटा, क्लियर डाटा, ठीक है, इसको आपको क्लियर कर देना है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, क्लिक कीजिए और ओके। ठीक है फ्रेंड्स, डाटा क्लियर करने के बाद आपको जो अपनी फेसबुक आईडी है उसको चलानी है आपको, एक या फिर आधी एक घंटा बाद में चलाना है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको हाफ ओवर या फुल ओवर, ठीक है, इस प्रकार से आपको चलाना है। तो फ्रेंड्स ये मेरी टिप नंबर एक थी, अगर आप ये सब कर लोगे तो उसके बाद आप किसी को भी जो रिक्वेस्ट वो भेज पाओगे, ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरह से आप रिक्वेस्ट उनको भेज पाओगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो ये टिप आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगली टिप मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स, और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करें।